हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक रोए पर स्वागत है। तो पहला अपडेट रिमूव चाइना ऐप की है, जो एक ऐसा ऐप है जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन को स्कैन करने के बाद बताएगा कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में कोई चाइनीज ऐप है या नहीं। यह ऐप सिर्फ 2 वीक में 1 मिलियन डाउनलोड हो चुका है। इस ऐप को गूगल प्ले ने 17 मई 2020 को प्ले स्टोर में ऐड किया था। यह ऐप आपके फ़ोन को स्कैन करेगा और अगर आपके मोबाइल में कोई चाइनीज़ ऐप नहीं है तो इस टाइप का मैसेज आपके स्क्रीन पर शो होगा। सोनम वांचुक सर के वीडियो के बाद इसमें उन्होंने चाइना प्रोडक्ट के ना यूज करने को कहा, उसके बाद इस ऐप की लोकप्रियता और बढ़ गई है। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस ऐप को यूज़ कीजिए और इस ऐप की राय आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर दें। दूसरा अपडेट गूगल प्ले स्टोर से है, जहां पॉपुलर शेयरिंग ऐप वी ट्रांसफ़र को इंडिया में बैन कर दिया है। इसे नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने बैन किया है। वी ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला शेयरिंग ऐप था। तीसरा अपडेट सैमसंग की ओर से है, जहां सैमसंग के 2 स्मार्टफोन गैलेक्सी M11 और M01 2 जून मतलब कि कल लॉन्च होने वाली हैं। बात करें स्पेसिफिकेशन की तो गैलेक्सी M11 की तो यह एक 13.52 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा वाला स्मार्टफोन है। बात करें इसकी प्राइस की तो 3 GB रैम प्लस 32 GB स्टोरेज की कीमत 10,999 और 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज की कीमत 12,999 है। सैमसंग गैलेक्सी M01 की प्राइस 8,999 है। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें 3 GB रैम प्लस 32 GB स्टोरेज है। यह एक 13.2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है। आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें।